राष्ट्रीय सत्ता का महासंग्राम है, जनादेश की बारी और आज इंतजार की घड़ी है। और इस दौरान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन कौन से बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं। साख का भी सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है और इन चेहरों को एक बार बता देना काफी महत्वपूर्ण है। आप देखिए, कुछ ऐसे चेहरे हैं जो पहले से ही जीते हुए घोषित हो चुके हैं क्योंकि एकमात्र उम्मीदवार चुनावी मैदान में। उनमें सबसे पहले बात करेंगे बीडी शर्मा की। आशीष, आपको पता ही कि खजुराहो की राजनीति में कितना उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन आखिरकार बाद में बीडी शर्मा चुनावी मैदान में और ये लगभग जीते माने जा चुके। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ये भी विदिशा से चुनावी मैदान में है और ऐसा माना जा रहा है कि अच्छे खासे मत इनको मिलते हुए नजर आ रहे। जो एग्जिट पोल में भी रुझान सामने आए उसमें भी शिवराज सिंह चौहान माने जा चुके हैं कि वो जीत चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरा गढ़ फतह कर चुके हैं ऐसा माना जा रहा है और गुना सीट भी लगभग तय मानी जा रही है कि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जीत जरूर दर्ज करवाने वाले हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत बड़ा चेहरा है, जाहिर सी बात है। दूसरी तरफ आप आएंगे मंडला में, जहां पर आप देखेंगे कि फग्गन सिंह कुलस्ते बहुत बड़ा चेहरा है इस दौरान चुनावी मैदान में, अपने बयानों के चलते काफी चर्चाओं में भी रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इस बार जिस तरीके के हमने एग्जिट पोल में रुझान देखे हैं उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अच्छे खासे मतों के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आने वाली है। वीरेंद्र खटीक जो कि टीकमगढ़ से चुनावी मैदान में, टीकमगढ़ की सियासत तो आपको मालूम है आशीष कि यहाँ पर हमेशा से कहीं ना कहीं एक जातीय समीकरण मायने रखता आया है, लेकिन इस बार क्या होता है ये देखना होगा। राजगढ़ की बात करेंगे, दिग्विजय सिंह पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के, और दिग्विजय सिंह के ऊपर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने अच्छा खासा भरोसा जताया। हालांकि पिछली बार भोपाल सीट से चुनावी मैदान में थे और हार गए थे, मत प्रतिशत जो था वो भी काफी अंतर दे रहा था, लेकिन इस बार राजगढ़ में दिग्विजय सिंह क्या करते हैं क्योंकि इन्होंने काफी मेहनत तो की है चुनावी मैदान के, नजर भी आए थे कार्यकर्ताओं को, काफी जागरूक भी किया इन्होंने, बहुत उत्साह भरने की कोशिश की है, लेकिन इस बार क्या होता है ये भी देखना होगा। रतलाम की बात करेंगे जहां से पीला सोना उगता है और यहां पर आप देखेंगे कि कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो कि चुनावी मैदान में बड़े चेहरों में जो चेहरे शुमार हैं वो आपको हम बता रहे हैं। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस का गढ़ कही जाती है और बीजेपी ने इस बार यहां पर कैंपेन लगा दिया था कि इस बार जीत हासिल करनी है और नकुलनाथ को हराना ही हराना है। नकुलनाथ यहां से इस बार फिर कांग्रेस के उम्मीदवार है। बात करेंगे मंडला की, जहां पर आप देखेंगे कि यहां से भी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको अच्छे बहुत ज्यादा चर्चित चेहरा है, प्रचलित चेहरा है, लोग बहुत इनको पसंद करते हैं और इस बार ये भी चुनावी मैदान में है। तो देखिए ये तमाम ऐसे बड़े चेहरे आशीष जो कि इस बार इनकी साख का सवाल है और देखना यह है कि इन्हें इस बार कितने मत प्रतिशत मिलते हैं। चाहे हालांकि बीजेपी की जो प्रत्याशी है उनकी संख्या ज्यादा है, कांग्रेस के प्रत्याशियों की संख्या कम है। और अब सीधे रुख करेंगे, बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ की क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बड़े चेहरे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, यहां पर भी कुछ बड़े चेहरों की साख दांव पर लगी हुई है। और इस बार जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला है। सबसे पहले बात करेंगे भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल चुनावी मैदान में, वो भी राजनांदगांव सीट से। और ऐसा माना जा रहा है कि राजनांदगांव सीट में जहां बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की है कि इस बार हराया जाएगा राजनांदगांव से भूपेश बघेल को, लेकिन देखना होगा कि क्या रुझान निकल कर आते हैं। दूसरी तरफ प्रवासी लखनऊ को आप सभी जानते हैं, आदिवासियों का एक बड़ा चेहरा है जो कि चुनावी मैदान में है। और महासमुंद की बात करेंगे, महासमुंद में भी आप देखिए जहां पर ताम्रध्वज साहू, जाहिर सी बात है कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के अच्छे खासे जो फॉलोवर हैं वो इनकी तरफ से भी आते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो जातीय समीकरण रहा है उसके अनुसार चेहरों को उतारा गया है क्योंकि बहुत फैक्टर माना जाता है कि बहुत हद तक माना जाता है कि जातीय समीकरण के अनुसार अगर नेता चुनावी मैदान में उतरेगा, चूंकि नक्सलाइट एरिया भी है, आदिवासी बेल्ट भी है और कुछ ऐसी भी सीट्स हैं जहां पर कहीं ना कहीं ओबीसी एससी एसटी का दबदबा है और इस वजह से भी बड़े चेहरे काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कोरबा की बात करेंगे, सरोज पांडे आप सभी जानते हैं बीजेपी के उम्मीदवार हैं और कहीं ना कहीं नारी शक्ति को लेकर ये आगे आई थी और इस बार इनके चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ी है। रायपुर की बात करेंगे, ब्रजमोहन अग्रवाल चुनावी मैदान में है और ये देखिए ब्रजमोहन अग्रवाल एक ऐसा चेहरा जिन्होंने अच्छे खासे मतों के साथ पिछले चुनावों में अपनी पार्टी को जीत दर्ज करवाई थी। दुर्ग की बात करेंगे जहां पर दुर्ग से
विजय बघेल चुनावी मैदान में है और ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बड़ा चेहरा है, नामी चेहरा है और इस बार इन पर बहुत भरोसा दुर्ग सीट से बीजेपी ने जताया है और उम्मीद है कि आज जो रुझान सामने आएंगे एग्जिट पोल में जिस तरीके के समीकरण बताए गए हैं वो लगभग लगभग एक जैसे नजर आने वाले हैं। आशीष, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये बड़े चेहरे इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आपको ये मालूम हो कि आपके क्षेत्र में जो मतदान किया गया है वो किसके चेहरे पर किया गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बड़े चेहरों के सामने दूसरी पार्टी के छोटे चेहरे भी जीत कर आ जाते हैं। वो बड़े लड़ैया और उनकी तस्वीर आप दिखा रही हैं और बता भी रही हैं कि कहां पर क्या चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जातीय समीकरण कितना बड़ा फैक्टर है, चेहरे कितने बड़े फैक्टर है और चेहरे के साथ साथ आशीष इलाके का कॉम्बिनेशन भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस तमाम चीजों का जो ध्यान है पार्टियों ने रखा है इस बार के चुनाव में, लेकिन देखना होगा कि परिणाम क्या होंगे। थोड़ी ही देर में काउंटिंग क्योंकि शुरू हो जाएगी और सबसे पहले पोस्टल बैलेट, थोड़ी ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी, थोड़ी ही देर में काउंटिंग के बाद ये पता चलेगा कि आखिर कौन कहां पर जीत रहा है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग न्यूज 18 पर सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे आपको दिखाएंगे। वो बड़े लड़ैया कौन है, किसके बीच मुकाबला है, कहां पर किसने जीत हासिल की है और कौन पीछे हो रहा है, ये सब आप तक हम पहुंचाएंगे। इंतजार थोड़ा सा कीजिए, 8 बजते ही, जैसे ही 8 बजेंगे वैसे ही धीरे धीरे काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद परिणाम आने भी शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है अंशिका वो परिणाम आना ठीक है, परिणाम आने का एक मतलब सीधा सा है कि आप मंजिल तक पहुंच गए, लेकिन जो सफर का मजा है मुझे लगता है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, वो काउंटिंग में कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है उसी के हिसाब से आपकी एक्साइटमेंट और आपकी नर्वसनेस कम और ज्यादा होती है। जब किसी बड़े चेहरे को जिसे आप सपोर्ट कर रहे हैं आप आगे बढ़ता देखते हैं तो आप आश्वस्त हो जाते हैं, और वहीं अगर वो कैंडिडेट कुछ देर के लिए एक दो राउंड पीछे चला जाए तो कहीं ना कहीं धड़कनें बढ़ जाती हैं, तो वो जो उस घटा और बढ़ा का जो अंतर है वो कितना रहेगा ये भी देखना अहम होगा और ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब से कुछ ही देर में जब काउंटिंग शुरू होगी तो पहला रुझान कहां से आता है। अंशिका ये भी सबसे दिलचस्प होगा देखना कि किस सीट से, किस लोकसभा सीट से कि कहां से पहला रुझान सामने आता है और सबसे पहली सीट, हालांकि सूरत में ऐलान हो चुका है परिणाम आ चुका है, सूरत के बाद हिंदुस्तान में वो कौन सी सीट ऐसी होगी भारत में जहां पर कि पहला कैंडिडेट जीतेगा वो किस पार्टी का होगा ये भी देखना अहम होगा, क्योंकि पहली एक सीट तो बीजेपी सूरत में जीत चुकी है लेकिन अब जिसका खाता खुलेगा क्या उसी की तरफ सत्ता जाएगी, पहली जो पहली बॉल पड़ेगी अगर हाँ। क्रिकेट की लैंग्वेज में बात करें या क्रिकेट के स्लैंग में बात करें अंशिका तो पहली बॉल पर सिक्सर कौन मारेगा और कौन होगा क्लीन बोल्ड अब से कुछ ही देर में सब कुछ स्पष्ट होने वाला है। लेकिन देखिए और... यहाँ पर 543 सीटें जो है उसमें तो शुरुआती एक सीट तो बीजेपी को ऑलरेडी जा चुकी है, सूरत की अगर हम बात करें तो सूरत में जो है जीत हुई है बीजेपी के कैंडिडेट की और इसलिए हम दिखा भी रहे दर्शकों को जो ये 543 है उसमें